तो ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस करने का हमने स्टार्ट कर दिए बच्चों। तो ये 2020 का पेपर है, इसे हम डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना प्लीज़ गाइस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रिंट आउट निकाल रखे हैं पेजेस के, सो ये हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या क्या है, इन फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज़ व्हाट। आपको पता है कोई भी अभाज्य संख्या होती है और उसके ऊपर अंडर रूट लगेगी तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। कह रहे समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो देखो अगर आप यहाँ से डी देखें, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो कितना आ जाएगा, 6। तो 22 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 22 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा तब हमें मिलेगा अगला पद, तो क्या होगा, 28 होगा। क्या है 28, बिल्कुल है। कह रहे एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वो क्या होगा। देखो कोई वृत्त है, ठीक है, उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो उसका क्या बोल रहे हैं, परिमाप, परिमाप बोले तो 2πr और क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर, बराबर है पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, आर से आर कटा, तो आर का मान क्या होगा, 2 मात्रक, 2 मात्रक। ठीक है, आराम से हो गया। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। द्विघात समीकरण को हल करना है बेटा, यह हल करने वाले प्रश्न है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो माइनस का 9 इधर के प्लस का 9 हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 कितना होता है, 3, सो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, कह रहे कॉट ए का मान इतना है तो टेन ए क्या होता है, तो टेन ए होता है बेटा वो 1/2 कॉट होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, 15 ऊपर आ जाएगा 8 नीचे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र भुजाएं इतनी हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो अब ये कुछ छोटे क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया है। 8वां क्वेश्चन, ठीक है इसको हम करेंगे। सो देखिए बच्चों 8वां है, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो होता है भुजाओं का अनुपात का वर्ग, और ये कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 6.6 से। ठीक है, ये पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे में वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, सो आंसर आ जाएगा 16:25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्या बोल रहे हैं, जो नवा क्वेश्चन है मैं समझा रहा हूँ। कह रहे हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आंसर होगा 1। एक बिंदु से 1 स्पर्श रेखा ही बनती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करा रखा है। कह रहे हैं किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः इतने और इतने हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, तो आपको पता है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 × माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये एक संबंध है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माध्यिका और बहुलक दे रखे हैं, बहुलक दे रखा है 45 और माध्यिका दे रखी है हमें, सॉरी इसकी माध्यिका और बहुलक, माध्यिका 45 है और बहुलक 13 है, सॉरी बहुलक हमारे पास 13 दे रखा है क्रमशः, है ना, माध्यिका दे रखा है हमें 45, तो हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो 13 3×5=15 हासिल लगा 1, 3×12 और 1=13, माइनस के 2 माध्य इधर के प्लस के 2 माध्य आ जाएगा, और ये प्लस के 13 इधर के माइनस का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 में से गया 122,
ये दो गुणे मित्र के बट्टे में आ जाएगा, दो छंग दो एक कम, तो माध्य कितना हो जाएगा 61। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कह रहे यदि बहुपदों के शून्यकों का योग 4 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा एक का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ से देखो ये हमारा बहुपद है, दिया है, ये बहुपद क्या है यहाँ, ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर माइनस का 8 है और सी के स्थान पर माइनस के 4 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग 4 दे रखा है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 4। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है वैसे, माइनस का बी बट्टा ए, और हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ठीक है, बी बी का मान माइनस के 8, ए की जगह पर ए ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 8, त्रिकोण कर दो ए एकम ए, तो ए का मान आ जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं यदि ए बी सी त्रिभुज के आंतरिक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि इसका मान 1 के बराबर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो देखो त्रिभुज चाहिए ए बी सी, है ना, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। ठीक है, यहाँ पर बी प्लस सी दिख रहा है ना, तो ए को उठा के उस तरफ ले जाऊँ, और बी प्लस सी के बट्टे में 2 भी दिख रहा है, 2 से भाग दे दूँ सभी में। ठीक, ये 90 हो जाएगा और ये ए बट्टे 2, हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, दाया पक्ष लेके, दाया पक्ष मुझे लाना है, तो यहाँ लिख देंगे बाया पक्ष लेने पर, बाया पक्ष ले लो, तो यहाँ क्या है बेटा साइन अगर आप इन कोणों को जोड़ेंगे और इन कोणों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90। ठीक है, बी प्लस सी बट्टे 2 और ए बट्टे 2 को जोड़ो 90 मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर तुम 80 रख सकते हो, बट्टे में 2 ओवरनिष्ठ हैं, तो 90 आ जाएगा, है ना। तो मैंने बताया जब दो कोणों का योगफल 90 आता तो किसी एक को बदलना होता है ना, किसी एक को बदलना होता है। ठीक है, सो देखो बेटा मैं बी प्लस सी की जगह पर क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, तो साइन इसके जगह पर रख दिया मैंने, ये बदल दिया। ठीक है, एक को बदल दूसरा वैसे ही रहेगा, अब इसको यहाँ ऐसा इसको बदला तो इसको भी यही बदलना पड़ेगा क्योंकि सेम टू सेम एंगल्स हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 90 माइनस के ए बट्टे 2। आपको पता है कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए बाई 2 और पहले से ही गुणे में कॉस ए बाई 2, यहाँ से हो जाएगा साइन ए बाई 2 और गुणे में ऑलरेडी है साइन ए बाई 2। ठीक है, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस उसका थीटा का मान कितना होता है 1, देखो थीटा बराबर है ना, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आपने सिद्ध कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया 12वां। अब अथवा वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, अथवा वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, इसको सिद्ध करके हमें 10² लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बायां पक्ष लेने पर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऊपर तो देखो बेटा 1 प्लस 10² है, ठीक
ठीक है, वन कॉट की जगह पे मैं वन अपॉन टेन लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉट इसको होता है वन अपॉन टेन, तो कॉट का स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर वन, टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये मैंने रख दिया। सो वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लॉस ऑफ आ जाएगा टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर कम टेन स्क्वायर प्लस एक, ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर, ऊपर है वन प्लस टेन स्क्वायर, नीचे है वन प्लस टेन स्क्वायर, इससे ये कटा क्या बचा टेन स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है, ठीक है, तो हम जांच करते हैं, ए बी और सी तीन बिंदु हमारे पास, पहला बिंदु है 5, -k2, फिर हमारे पास है 6, 4, फिर हमारे पास है 7, -2, समद्विबाहु यानी कि दो बराबर होना चाहिए, तो पहले ए बी, ए बी ए और बी के बीच की दूरी ये x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, 5 में 6 गया -1 का वर्ग 1, -6 का वर्ग 36, तो ये आ गया अंडर रूट के 37 मात्रक। ए बी निकालना, अब हम निकालेंगे बी सी, x1 - x2 का वर्ग, y1 - -y2 का वर्ग, -1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो ये भी आ गया अंडर रूट 37, दो तो बराबर आ गए। अब हमें ए भी निकाला, अब हमें निकालना है ए सी, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, 5 में से 7 कटाएंगे, 2 का वर्ग 4 और यहाँ 0, ये 2 आ जाएगा, तो देखो ये दो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, दो बीच की दूरी बराबर आई, जो कि ए बी बराबर बी सी किसके बराबर है, अंडर रूट 37 के। अर्थात ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालिए। सो बेटा मेरे पास तो पटरी प्रकार पेंसिल नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.2 का, ठीक है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी, और त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए और उसके बिंदु परस्पर, मतलब एक बिंदु लेना है बाहर, कोई भी एक बिंदु ले लेना है यहाँ से, और फिर इसका अर्धक डालना है, यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, उसी को यहाँ पर रख कर यहाँ से चाप इसका अर्धक निकालेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं कट पॉइंट मिलेगा, और एक इसको केंद्र मानते हुए और इसको त्रिज्या मानते हुए एक दूसरा वृत्त बनाएंगे जो इन दोनों बिंदु से होता हुआ जाएगा, आपको 2 कट पॉइंट मिलेंगे और उससे आपको यहाँ पर मिला देना है, ठीक है, ये सब सिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक पासे को यादृच्छा फेंका जाता है, इस विषम संख्या यानी कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर हमारा 14, 15। देखो बच्चों, अब पासा पर प्राप्त परिणाम क्या होते हैं, यही होता है लूडो पर, है कि नहीं, सो कुल परिणाम कितने हुए हमारे पास, कुल परिणाम हुए 6। हमसे क्या बोल रहे हैं,
विषम संख्या, विषम संख्या क्या होते हैं जो दो से विभाजित ना हो, जैसे कि एक, तीन, पाँच, है ना। तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं विषम संख्या के लिए बोल रहे हैं, एक दो तीन है। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला, प्रायिकता, है ना, प्रायिकता किसकी, विषम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो विषम संख्या संभव परिणाम कितने, तीन, कुल परिणाम अच्छा, तीन एक कम तीन, तीन दो छः, आंसर आ जाएगा एक बटे दो, ठीक है। या फिर इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, इसे करते हैं। 12 खराब और 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता। अथवा वाला कर रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खराब पेन, बारह, अच्छे पेन कितने, 132, कुल पेन कितने हैं जोड़ देंगे 144 आ जाएगा। हमसे क्या बोला है, अच्छा होने, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, ठीक है, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम, अच्छा पेन कितना है 12, कुल परिणाम कितना है 144। तो इसको काटो, दो छंग दो सत्ते 14, दो दो तियाँ, दो तियाँ छः, दो छंग 12, तीन कम तीन, तीन दूनी छः, सो आंसर आ जाएगा एक बट्टे 12। सही काटा हमने, दो छंग दो सत्ते दो दुनी, दो तियाँ छः, दो छंग 12, तीन कम तीन, तीन कम तीन दूनी छः, ठीक है, आंसर आ जाएगा एक बट्टे 12। ठीक है, एक बार रीचेक हमेशा किया करो क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो 16वां क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपका उदाहरण वाला सीरीज है, ठीक है, उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का उदाहरण है, ठीक है। और ये हर बार आता है लगभग ऐसा क्वेश्चन, और मैंने पहले ही करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने चैप्टर वाइज उदाहरण की जो सीरीज़ है ना, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना, ठीक है। और 2022 के बोर्ड में ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर जो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं वो लोग मत देखना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है उत्तराखंड बोर्ड में, और कई सारे यूपी बोर्ड में भी नहीं है, तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनके बोर्ड में है सिलेबस में, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। ग्राफी विधि से हल करने के लिए हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। सो कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ये भी, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करा रखा है, बट फिर से करवा देते हैं। देखिए समीकरण क्वेश्चन नंबर 17 है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा, ये दो समीकरण दे रखे हैं। तो हर समीकरण से हमें कम से कम एक समीकरण से दो बिंदु निकालने होते हैं। तो समीकरण एक बार लिख लेते हैं, और बिंदु जो निकालने होते हैं वो किस में निकालने होते हैं, पूर्णांक होने चाहिए। माना x बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे, 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही रहता है, तीन कम तीन, तीन दो नीचे, तो y का मान आ गया 2। तो बिंदु P क्या हो जाएगा, पहले x आता है फिर y आता है कि नहीं। तो एक बिंदु तो हमें मिल गया, पुनः कुछ भी मान सकते हो, बट x और y को 0 से स्टार्ट करना, पूर्णांक अगर नहीं मिलता है तो फिर कुछ दूसरा सोचना। तो y का मान अब की बार 0 मानता हूँ, 0 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 गुणा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा 6। सो दूसरा बिंदु, x का मान 6 आया और y का मान अपने 0 माना था, ठीक। समीकरण नंबर 1 से ये मिला आपको। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 से, ये है ना, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं x का मान 0 मानते हैं इसमें,
तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3y = 12, 3 × 12 तो y का मान आ गया -4, तो बिंदु क्या आ जाएगा, r मान लेते इस बिंदु का नाम, x आपने 0 माना था, y आपको -4 मिला, ठीक है। अब की बार y 0 मानो, 2x किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो 0 हो जाता है, 2x में से 0 घटाओगे तो 2x आएगा, 2 × 12, तो x का मान क्या गया, 6 है, x का मान 6, आपने y 0 माना था। अगर आप ध्यान से देखें इस समीकरण में और इस समीकरण में, ये दोनों बिंदु उभयनिष्ठ हैं, तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही उसका हल होता है ग्राफ में। अब आपको ग्राफ बना के दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ ग्राफ पेपर आपके पास एग्जाम में मिलेगा, मेरे पास नहीं है तो मैं यहीं बना के दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे समान समान ग्राफ कैसे खींचते हैं वो मैंने बता रखा है, यहाँ x में 1 2 ठीक। सो पहला बिंदु हमारे पास है 0, 2, x पे 0 y पे 2, तो ये पहला बिंदु P है। फिर क्या है, क्यों 6, 0 x पे 6 y पे 0, तो ये मेरा बिंदु Q है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे पटरी से, है ना, और नाम भी लिख देंगे, क्या था पहले, x + 3y = 6, ये पहला है। दूसरा वाला 0, -4, एक्स पे 0 वाई पे -4, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। और अगला बिंदु क्या, 6, 0 जो कि यही है, इसका नाम था मेरा R, और एच बिंदु भी यही था। इन दोनों को मिलाते हुए 6 दिखा गई थी, ये उभयनिष्ठ बिंदु कटान बिंदु हमारा हल होता है, ठीक है। तो जो हल होगा वो होगा 6, 0 उभयनिष्ठ बिंदु कटान बिंदु का हल होता है, अर्थात x का मान 6 होगा और y का मान 0 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद 8 और अंतिम पद 62 और पदों का योगफल 210 हो, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं, देखो 18वां क्वेश्चन है, AP का प्रथम पद यानी कि 8 दिया है, अंतिम पद यानी कि AN 62 दिया हुआ है, पदों का योग SN यानी कि 210 दे रखा है, पदों की संख्या N ज्ञात करना और सर्वांतर D ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के हमने पता चल गया क्या क्या दिया हुआ है। ओके, आपको पता है बेटा AN बराबर क्या होता है, ये चीज, तो AN का मान कितना है बेटा 62, यहाँ रख दो, AN कितना है 8, N तुम्हें निकालना है और D भी तुम्हें निकालना है, 8 प्लस का रखे क्या हो जाएगा माइनस का, 62 में से 8 घटाओगे तो 54 आ जाएगा, अभी फिलहाल ये रखते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे। पुनः SN बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, N/2 A+AN, जब प्रथम और अंतिम पद पता हो तो ये सूत्र लगाते हैं, SN क्या दे रखा है 210, N पता नहीं, A हमारे पास 8 है और AN हमारे पास 62 है, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, 0 से 0 कट, 7 × 21, गुणा कर देंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो N का मान कितना आ गया 6, N निकालना था मिल गया। अब N के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे, N का मान क्या अच्छा है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, गुणे में ही तरह के बट्टे में आ जाएगा, तो D का मान क्या हो जाएगा 54/5, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा वैसे तो एक नंबर का है लेकिन 3 नंबर पूछ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का HCF 9 है, दो संख्याओं का LCM कितना होगा, ठीक है। सो देखो बेटा 19 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं, वी नो दैट
क्या जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM, है ना। तो प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या है 657, और HCF 9 दे रखा है हमें, LCM निकालना है। ये 9 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। सो 9 से काटोगे, 9 3 27, 9 कितना बचेगा 3, ठीक है, 9 चौक 36। 34 को गुणा कर दोगे 657 से, जो आएगा आपका वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है गुणा करने पर, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिएगा √5 का परिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं कितने सारे करते हैं, हर साल आ जाता है ये, है ना, हर साल आता है। तो चलिए करते हैं 20वां क्वेश्चन भी, 20वां नहीं, 8वें में, चलो कोई नहीं। तुम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होता। और अगर HCF निकाला जाएगा पी और क्यू का, तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और साथ ही साथ पी और क्यू क्या होते हैं, बेटा पूर्णांक होते हैं, ये फैक्ट है। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख मान लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, पी एकम पी, और यहाँ से आ जाएगा √5 क्यू। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे ना, तो ये हो जाएगा पी का वर्ग पी स्क्वायर, √5 का वर्ग 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इसका गुणा कितना है, 5 है, तो क्या लिखोगे, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो पी भी 5 से कटेगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है बेटा, कि किसी तरीके से कोई एक प्रॉपर्टी को ये मना कर दे, तो ये अपरिमेय दिखाना है, क्योंकि सिद्ध तो अपरिमेय करना है ना, इसको परिमेय तो लगाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना पी, पी है था ना, पी 5 है यहाँ पर, 5, और फिर यहाँ लिख देंगे, फिर करेंगे यहाँ पर वर्ग, वर्ग करने पर तो पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, आर का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर। पी, क्योंकि पहले एक बार पी स्क्वायर आ चुका है, तो दोबारा पी स्क्वायर नहीं चाहिए अपन को, पी स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पर क्या, 5 क्यू स्क्वायर, पावर बचे 25, तो क्यू स्क्वायर का मान हो जाएगा 5 आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर फिर से गुणज 5 है, तो क्या लिखोगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो, चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा P और Q का, वो 5 होगा, जो कि 1 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 से कट रहा तो 5 होगा, हमें चाहिए 1 था, आ 5 रहे हैं, अर्थात इस प्रॉपर्टी को ये मना कर रहे हैं, अर्थात यह हमारी अवधारणा की विपरीत है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना था, और इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही हमें हल करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं